शेर सवाहल पंचायत के शेर गांव से महिला मंडल सहित लोगों का प्रतिनिधि मंडल पंचायत प्रधान हंसराज के नेतृत्व में डीसी राकेश कुमार प्रजापति से मिला। प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने उनसे कहा कि शेर गांव के लिए बनाया गया स्वाहल से त्रोपका बाया शेर जमले संपर्क मार्ग इतनी दयनीय स्थिति में हो गया है कि इमरजेंसी में भी कोई ज्यादा पैसे लेकर भी यहाँ वाहन लेकर आने को तैयार नहीं है। गांव के संदीप ने कहा कि इससे पहले एक 45 साल के व्यक्ति की मौत समय पर उपचार न मिलने से हो गई थी, क्योंकि आधा घंटा तो उसे मुख्य सड़क तक चारपाई में लाने में ही लग गया, जिससे उसे समय पर उपचार नहीं मिला और उसकी मृत्यु हो गई। वहीं एक का मकान जलकर राख हो गया, क्योंकि फायर ब्रिगेड की गाड़ी गांव तक नहीं पहुंच पाई। लोगों ने अपनी जमीन भी पीडब्ल्यूडी को गिफ्ट डीड बनाकर भी दे दी है, लेकिन अभी तक इस मार्ग को बनाने के लिए कोई भी कार्य नहीं किया गया, केवल मात्र आश्वासन ही दिए जाते हैं। सड़क के बारे में हमें बड़ी प्रॉब्लम होती थी, इतने साल हो गए कि हमें सड़क की बड़ी प्रॉब्लम थी, तो उस वजह से ही नहीं कि करते हैं हम कुछ कर दिया उन्होंने हमारा काम, काफ़ी दिनों से बड़ी परेशानी में काम, इस वजह से एक गौशाला जल गई थी और एक जेंट्स की डेथ हो गई थी जल्दी नहीं पहुँचाने की वजह से गाड़ी में। डीसी साहब से मिलने का हमारा ये एक मुद्दा था, जो हमारी सड़क बाया जमनी शेर सवाल होते हुए आज से 10-15 साल पहले से पड़ी हुई है, जो नवा पंचायत ने उसको मनरेगा के तहत बनाया था, लेकिन गांव वालों ने हमने उसके लिए सारे अपने कागजात डीपीआर बना के एनओसी और गिफ्ट डीड भी दे दी, लेकिन आज तक कोई भी सरकार आई तो सवाल पंचायत में उस सड़क का निर्माण आज तक नहीं हुआ। इस मुद्दे को लेकर हम डीसी साहब के पास आए थे, डीसी साहब ने हमें आश्वासन दिया कि मैं जल्द से जल्द जो भी काम अधूरा पड़ा हुआ है उसके लिए मैं सरकार से बातचीत करके आपको सड़क की कार्रवाई शुरू करवा देंगे। एक्चुअली देखिए ऐसा है कि ये गांव शेर सवाल का बहुत पुराना केस है जो लास्ट 20 सालों से अटका हुआ है, ठीक है, आज़ादी के 70 साल हो गए बट इस गांव को अभी तक रोड से वंचित रखा गया हुआ है, राइट। सो इसमें क्या था कि हमने 10 साल पहले जो था, जब कांग्रेस सरकार सत्ता में थी तो उन्होंने जो था 8 लाख रुपया सेंक्शन किया था, जिसमें से 3.5 लाख अप्रॉक्स जो था मनरेगा के द्वारा सोलिंग के लिए लगाया गया। उसके बाद इस मार्ग का कोई किसी ने पूछताछ नहीं हुई। देन उसके बाद 2016 में हमने गांव वासियों ने मिलकर खुद विभागों को अपने आप ईमेल और अन्य पत्रों के द्वारा पूछा, उसका जवाब मांगा गया, तो उन्होंने जो था डीपीआर बनवाई और डीपीआर बनवाने के बाद उन्हें 70 लाख अप्रॉक्स जो राशि थी वो उसके लिए सुनिश्चित की गई और कहा कि नवाड़ के थ्रू जो है ये रोड बनाया जाएगा। बट 2016 के बाद आज तक वो ना पैसा आया ना उसको देखने को जाता है। हर बारी जब भी हम कुछ ना कुछ एप्लीकेशन लेके जाते हैं तो कहते हैं जी हमारी सरकारें आएंगी या ये होगा वो होगा अभी तक। बट उस गांव में दो बहुत मेजर केस हुए हैं, एक आदमी की हत्या हुई है, हत्या नहीं बोल सकते हम उसको हार्ट अटैक हुआ था, जिसको उठाते उठाते लाने के लिए हमें आधा 1.25 घंटा लगा और उसको हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही वो मृत्यु को चले गए, राइट। दूसरा जो है एक आदमी की हमारे गांववासी की गौशाला जो थी वो जल के राख हो गई और अग्निशमन की गाड़ियां सवाल में खड़ी रही, वो सवाल में खड़ी रही और वो देखते रहे बट लेकिन रोड ना होने की वजह से वो उस आग को ना बुझा पाए और जल कर सारा जो है राख हो गया। तो हमने डीसी साहब से ये निवेदन किया कि कृपा करके इस गांव को सड़क से वंचित ना रखें, आजादी के 70 साल हो चुके हैं, तो इस गांव को एक संपर्क मार्ग बनाने के लिए कृपया हमारी सहायता करें। और इन्होंने आश्वासन दिया है कि वो आगे मिनिस्ट्री लेवल तक आगे बात करेंगे और उसको जो है जल्दी से जल्दी पूरा करवाने की कोशिश करेंगे।